क्या आप घूमना चाहते हो किसी इंटरनेशनल कंट्री? मैं हूँ अभी साइप्रस में, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में आता है, और यहाँ पे मुझे अब आए हुए हो गए हैं 1 महीना और 10-15 दिन। इस 1 महीने 15 दिनों में मुझे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो गए हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी कुछ देख चुका हूँ, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं बाहर इंटरनेशनल कंट्री में स्टडी के लिए और काम करते हैं, अपना सफ़र तय करते हैं, नए नए एक्सपीरियंस करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। और उन्हीं स्टूडेंट्स में एक नाम और ऐड हो चुका है, बादल शर्मा का, जो कि साइप्रस में है। दुनिया के कई रंग तो देख चुका हूँ और कई अभी देखने बाकी हैं। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी रंग दिखाते रहेगी, जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक हमें नए नए रंग दिखते रहेंगे, नए नए एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे और हम जीते भी रहेंगे तब तक। काफ़ी दिनों से व्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि बिजी था, काम पे बहुत लोड था, हेक्टिक शेड्यूल जिसे कहते हैं वो चल रहा था मेरा। और अभी मेरा ये जो पीछे कॉलेज दिख रहा है, ये अमेरिकन कॉलेज, अभी ये भी शुरू होने वाला है मेरा 9 तारीख से, तो और ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा। काम भी करना है, कॉलेज भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, तो बहुत कुछ एक साथ करना है, पैसे भी कमाने हैं, बहुत कुछ करना है और समय की कमी है। व्लॉग तो अभी कम ही आ रहे हैं, जानता हूँ मैं, और कुछ लोग हैं जो मेरे व्लॉग का वेट भी कर रहे हैं, वो भी जानता हूँ मैं, पर कर सकता नहीं हूँ मैं इतना ज़्यादा व्लॉग शूट क्योंकि काफ़ी बिजी हूँ, और जब रेस्ट टाइम मिलता है तो उसमें रेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि रेस्ट नहीं करी तो फ्रस्ट्रेशन होगी, दिमाग ख़राब होगा, काफ़ी कुछ होता है, तो रेस्ट भी अपनी जगह ज़रूरी है। तो आज तो मैं आपको बस व्लॉग दिखा रहा हूँ जिसमें मैं आपको यहाँ के एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मेरे साथ इन दिनों क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और आप देख रहे हैं द नॉर्थ फेस्ट बॉय को इनसाइड। इंडिया से साइप्रस तो मैं ऐसे आया हूँ कि जैसे ट्रेन पटरी में 100 की रफ्तार से कांस्टेंट स्पीड में चल रही होती है, वैसे मैं इंडिया से साइप्रस आया हूँ। बहुत ही इंस्टेंट मुझे पता चला है कि मेरा वीज़ा लग चुका है और मेरी टिकट भी बुक हो गई है, 7 दिन के अंदर अंदर जाना है मुझे, पता चल चुका था। तो मुझे वीज़ा लेने भी जाना पड़ा, जलंधर से फाइल लगवाई थी, जलंधर गया हूँ, फिर वहाँ से आया हूँ, फिर पैकिंग शुरू हुई है, फिर घर वालों से टाइम निकाला है, रिश्तेदारों से मिला हूँ, तो उसके बाद बस 2 दिन पहले जम्मू से, वैसे जो जिनको पता नहीं है मैं कहाँ से हूँ, तो मैं जम्मू से हूँ, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके से मैं आया हूँ अभी मेडिटेरियन इलाके में। तो उसको छोड़ो, बाकी मैं बता रहा था कि वहाँ से तो मैं निकल गया एयरपोर्ट पे, जो फैमिली वगैरह का जो रिचुअल चलता आ रहा है वो चला है, जैसे आप सब जानते ही होंगे कि क्या चलता है, थोड़ा बहुत इमोशनल होते हैं, रोना सोना आता है, तो घर वालों को अलविदा करके तो मैं निकल गया एयरपोर्ट के अंदर को। एयरपोर्ट के अंदर गया हूँ, बहुत टाइम लगा, वेट किया वहाँ पे, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हुआ वहाँ पे, पहले बोर्डिंग हुई, बोर्डिंग के बाद इमिग्रेशन हुआ, तो हेक्टिक ही चल रहा था वहाँ पे भी, इधर से उधर, उधर से इधर से लाइन में लगो, वेट करो, उसके बाद आगे जाके वेट करना पड़ा जब प्लेन के लिए अंदर जाना होता बोर्डिंग पे, तो सारा हेक्टिक वगैरह रहा। तो उसके बाद प्लेन में बैठे, आ गए भाई बहरीन UAE, वहाँ पे भी हमारा 5 घंटे का हॉल्ट था, तो सो तो पाए नहीं वहाँ पे, मतलब बैठे हैं मैं बहरीन, बाकी जो नए स्टूडेंट थे तो काफ़ी थे गए हुए मेरे साथ, पर काफ़ी आए हैं, पर जो कि मेरे जैसे कोई नहीं मिला मुझे, मैंने वहाँ पे अकेला ही मतलब
एक्सप्लोर किया वहाँ पे एयरपोर्ट पे मैंने पूरा घूम लिया अकेले ही। उसके बाद वहाँ से निकला हूँ मैं, आया हूँ यहाँ पे साइप्रस में। साइप्रस का एयरपोर्ट पे आते ही ऐसा हुआ है कि मैं सोच रहा हूँ कि एयरपोर्ट है या फिर कुछ और है। एयरपोर्ट पे जैसे ही आया हूँ तो एयरपोर्ट पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है। साइप्रस के एयरपोर्ट ऐसे है, फ्री स्टाइल एयरपोर्ट है, कुछ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई टाइट सिक्योरिटी नहीं है जैसे इंडिया में, मतलब कि इतना कुछ होता है, वेरिफिकेशन होती है गेट पे ही, मतलब सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं पहले, पूरी चेकिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे कोई नहीं, अंदर जाओ बाहर जाओ, बार बार आओ बार बार जाओ, कोई इशू नहीं है उनको। और इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ये है कि फ्री स्टाइल एयरपोर्ट है, कोई रुकावट नहीं आएगी आपको किसी चीज़। साइप्रस आया, पहले के दो दिन मेरे ऐसे निकले हैं कि मैं, मतलब एक दोस्त बन गया मेरा सफ़र में ही, तो उससे बातचीत हुई, तो रूम के लिए बातचीत करी, तो ले गया वो किसी के घर पे। वहाँ पे हमें दो दिन बाहर सोना पड़ा गद्दे पे, घर मतलब घर ही था लेकिन अब बाहर बरांडे में सोए हैं, क्योंकि लॉबी में उन्होंने जगह दी सोने के लिए, तो वहाँ पे गर्मी बहुत थी तो सो नहीं पाए। तो फिर हम दो दिन बाहर ही सोए हैं, और उन दो दिनों में बस रात को ही सोने को मिला है, दिन में सो ही नहीं पाया क्योंकि दिमाग फ्रेश ही नहीं हो पा रहा था, मैं खुद फ्रेश नहीं हो पा रहा था। रीज़न ये था कि घर नहीं मिला था, सामान अनपैक नहीं किया था, कुछ नहीं करा था। मैं फ़ोन पे लगा हुआ था, फ़ोन पे बस सर्च पे चल रहा था कि कहीं घर मिले। तो फिर मुझे बजराकी का पता चला, यहाँ पे बजराकी एप्लीकेशन है, वहाँ पे अपना सेकेंड हैंड आप कुछ बेच सकते हो, अपना सामान बेच सकते हो, वहाँ पे रूम के लिए पता कर सकते हो, रेंटल एड्स वगैरह डालते हैं लोग वहाँ पे, तो वहाँ पे पता किया मैंने, लेकिन बात नहीं बनी। फिर मैंने अपना जो इंस्टाग्राम पेज है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मतलब मैंने फिर इंस्टाग्राम पे ही सर्च मारा इंडियन स्टूडेंट इन साइप्रस। तब स्क्रॉल कर रहा था तो एक भाई मिला, उन्होंने यहाँ पे ग्रीक की लड़की से शादी करी हुई है, तो कॉन्टैक्ट किया मैंने उनसे, टेक्स्ट वगैरह करा तो उनका रिप्लाई आ गया टाइम पे। तो ये ऊपर वाले की दया होगी या कुछ भी होगी मेरी, उन्होंने कॉल करी मुझे, तो कॉल पे उन्होंने खुशखबरी ये दी कि आपको रूम मिल जाएगा, मेरा भाई वहाँ पे है तो उनसे कॉन्टैक्ट करवाता हूँ आपका, तो आपको रूम मिल जाएगा। चैन की सांस आई तो मैं थोड़ा खुश हुआ। उसके बाद बस रूम देखने आए और क्लियर हो गया सब कुछ। रूम पे आए, कपड़े वगैरह सब अनपैक किया मैंने, बैग अपना सारी सेटिंग करी, फिर ग्रॉसरी वगैरह खरीदी। फिर उसके बाद कॉलेज में चक्कर लगे, काफ़ी चक्कर लगे, डॉक्यूमेंटेशन का, मतलब माइग्रेशन का सीन चल रहा था, उसमें हमारे थोड़े बहुत पैसे भी लगे। फिर उन्होंने टाइम वगैरह दिया, डेट वगैरह दी, ब्लड टेस्ट के लिए जाना है आपको, चेस्ट एक्सरे करवाना है, वो करवाया। उसके बाद इमिग्रेशन का वेट किया, और उससे पहले जो मेन टास्क था वो था बैंक अकाउंट का, जो कि हमारा बहुत टाइम लगा उसमें, नहीं तो हमारी इमिग्रेशन बहुत जल्दी हो जानी थी। बैंक अकाउंट खुलवाने गए, उन्होंने कभी ये डॉक्यूमेंट मांगे, कभी वो डॉक्यूमेंट मांगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के प्रोसीजर में हमारे एक दो हफ्ते चले गए, उसके बाद बैंक वालों ने बोला कि अपॉइंटमेंट बुक होगी आपको हफ्ते तक, मतलब ये अपॉइंटमेंट मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल सकती क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर भी हमने रिक्वेस्ट वगैरह करी मैनेजर से कि जल्दी से जल्दी करो, हमें इमिग्रेशन करवानी है, क्योंकि जब साइप्रस में आओ तो हमें बस 15 दिन की मोहलत मिलती है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी इमिग्रेशन हो जानी चाहिए, नहीं तो बाद में पंगा पड़ता है, अगर पुलिस वाला कोई भी पकड़ ले तो फिर उस पर फाइन हो सकता है, चार्जेस लग सकते हैं हम पर। बैंक अकाउंट खुला, उसके बाद मैंने बैंक के डॉक्यूमेंट सारे पूरे किए, जिसमें था हमारा इमिग्रेशन,
रेंटल एग्रीमेंट चाहिए था, उसके ऊपर दो यहाँ के सिप्रियोट सिटीज़न के सिग्नेचर, उनका आईडी, उनका पिन कोड, उनकी घर की लोकेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी मेंशन, वो करवाई। उसके बाद बिजली का बिल चाहिए था, उसके बाद कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वो कॉलेज वाले खुद ही दे देते हैं। बस ये मेन, हाँ, पीसीसी भी चाहिए होती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये मेन है जो वो मांगते हैं, और मैक्सिमम टाइम वो ओरिजिनल मांगते हैं। और जैसे कि हमें पासपोर्ट ऑफिस से दो पीसी सर्टिफिकेट मिलते हैं ओरिजिनल, तो एक हमारे पास होता है और एक एजेंट ले लेता है पहले ही, वो ज़रूरी है, वो हमें ज़रूरी चाहिए होता है, और मेरे पास वो था तो बच गया। लेकिन मेरे साथ एक लड़का और था, उसके ऊपर काफ़ी, तो उसने काफ़ी फेस करा, उसका और ज़्यादा टाइम लगा उसको। जैसे तैसे हमने अकाउंट खुलवाया, और कम से कम 800 यूरो की स्टेटमेंट चाहिए होती है इमिग्रेशन के लिए, तो हमने हज़ार यूरो उसमें डाल दिए। उसके बाद हमें इमिग्रेशन का टाइम बता दिया, कॉलेज में गए उसके बाद बैंक अकाउंट खोल के, तो कॉलेज में इमिग्रेशन का टाइम बता दिया कि इतनी तारीख को इतने बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है। तो हम पहुँच गए वहाँ इमिग्रेशन में, मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे फिंगरप्रिंट होते हैं और एक फ़ोटोग्राफ होती है बस। खर्चे भी बहुत हो रहे होते हैं, ख़ास करके मेरे तो बहुत ही ज़्यादा खर्चे होते हैं। मैं तो अगर घर पे भी खाना बनाना हो तो मेरे पास ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो मुझे मज़ा नहीं आता। वो जो मेरे साथ रह चुके हैं, जिनको मेरा पता है, वो सब जानते हैं कि मैं खाने पकाने का बहुत शौकीन हूँ। काफ़ी खर्चा हो गया, तो काम शाम भी नहीं मिल रहा। काम शाम में बहुत स्ट्रगल करा है काम ढूंढने में, फिर लिंक वगैरह बने हैं, फिर एक दो दोस्तों ने हेल्प करी, आगे वगैरह बातचीत करी थी, तो मुझे एक काम मिल गया। लोडिंग अनलोडिंग का काम था, टफ काम है पर करना पड़ा और कर रहा हूँ। मैं काम पे जाना शुरू कर दिया हुआ मैंने, और काम पे जा रहा हूँ डेली, मतलब कि जाना पड़ता है काम पे, तो मुश्किल होता है हैंडल करना सब चीज़ें, हेक्टिक हो जाता है। जैसे कि कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है घर की, उसके बाद खाना भी पकाना है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो जो नया आता है तो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, और जिसका कोई यहाँ पे नोन हो नहीं। तो मैं तो जैसे जम्मू से हूँ, तो जम्मू से तो यहाँ पे अभी तक तो मुझे कोई दिखा नहीं है, और क्या पता दिखेगा भी या नहीं। तो जितनी देर हूँ तो यही है कि दोस्त वगैरह तो बन जाते हैं मेरे, और मैं फ्रेंडली हूँ काफ़ी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था तो मेरा बन नहीं रहा। अब मैंने सोचा है कि इंटरनेशनल लाइसेंस ही अप्लाई करूँगा, तो उस पर मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन रिस्की है कि अगर किसी ने पकड़ लिया, किसी पुलिस वाले ने, तो उस पर चलान काट सकते हैं। इतने मैं कमाऊँगा नहीं जितने चलान देना पड़ेगा। ये प्लान भी मेरा रद्द हो गया, पर ऐसा कुछ है नहीं, ये जिसको मेहनत करनी है उसको काम मिल ही जाता है। सोच रहा हूँ कि साइकिल पे डिलीवरी करना शुरू करूँगा मैं कुछ दिनों में, जो कि किसी की रोक टोक नहीं होगी, अपना काम होगा, आपका मन है कि आपको कब तक करना है, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। बस ये है कि आपको डिलीवरी टाइम पे पहुँचानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको बातें सुननी पड़ेंगी। वो तो बाकी यही था मेरा ज़िंदगी का अभी तक का सफ़र साइप्रस में, और अगले ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, वो हर चीज़ बताऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। और मेन तो मेरा यहाँ का एक्सप्लोर करने का है, नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर से दिल दुख रहा है, पर कर कुछ नहीं सकता क्योंकि अभी ज़रूरत है किसी और चीज़ों की। पहले अपना सिस्टम सेट करना पड़ेगा यार। एक सपना है मेरा कि मुझे घूमनी है दुनिया, ये मेरा पैशन है और इसे मैं फॉलो करूँगा, हार नहीं मानूँगा।
तो इसमें आप योगदान दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए। डू लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट मी शेयर माई कॉन्टेंट शेयर माई ब्लॉग हूएवर वॉन्ट टू नो अबाउट साइप्रस डू सब्सक्राइब मी इफ नॉट डन येट। सो बाकी यही कहना चाहूँगा, प्यार बांटो प्यार करो, स्टे हेल्दी हैप्पी, हस्ता ला वीस्ता, खाओ बादाम पिस्ता, बाय बाय, लव यू ऑल।